हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली मॉर्निंग करंट जीके अपडेट्स, जो कि आपका करंट अफेयर्स है। और यह करंट अफेयर्स आपको यूवी कंपटीशंस चैनल पर डेली मिलेगा। आज 15 नवंबर 2018 वार गुरुवार। मेरे प्यारे साथियों, यूवी कंपटीशन चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने आ जाते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर विवेक कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर मुझे फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए यूवी कंपटीशन जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज़ राष्ट्रीय समाचारों की। G-SAT-29 कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज बीइंग कैरिड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरोज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV-MK-3 वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। यह लॉन्च श्रीहरिकोटा में सचिन धवन स्पेस सेंटर से हुआ था। G-SAT-29 एक संचार उपग्रह जिसमें वजन 3,423 किलोग्राम है। इसरो के अनुसार यह GSLV-MK-3 रॉकेट की दूसरी विकास उड़ान होगी, जिसमें 4 टन की रेटेड ले जाने की क्षमता होगी। GST-19 श्रृंखला का पहला था, जिसे जून 2017 में कक्ष में भेजा गया था। द 38th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF हैज बिगन एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। द 14 डेज एनुअल इवेंट विल कंटिन्यू टिल 27th ऑफ नवंबर दिस ईयर। द थीम ऑफ द फेयर इज रूरल एंटरप्राइजेज इन इंडिया। 38वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली प्रगति मैदान में शुरू हुआ। 14 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम 27 नवंबर तक जारी रहेगा। इस मेले का विषय है रूरल एंटरप्राइजेज इन इंडिया। द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल डाटा रिपोजिटरी। सरकार ने एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी स्थापित की है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रिनेमिंग ऑफ फैजाबाद एंड अलाहाबाद डिवीजन एज अयोध्या एंड प्रयागराज रेस्पेक्टिवली। द डिसीजन वाज टेकन एट ए मीटिंग ऑफ द स्टेट कैबिनेट प्रेसिडाइड ओवर बाय चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद और इलाहाबाद डिवीजनों को अयोध्या और प्रयागराज के रूप में पुनः नामांकन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। एज पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन EU प्रोजेक्ट इंटरनेशनल अर्बन कॉरपोरेशन कोची कॉरपोरेशन एंड विल्निस लिथुनिया हैव साइंड एन MOU। यूरोपीय संघ EU परियोजना अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग के हिस्से के रूप में कोची निगम और विल्नियस लिथुआनिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फेस्टिवल फिनटेक इन सिंगापुर। एड्रेसिंग द गैदरिंग प्राइम मिनिस्टर स्टेट फिनटेक इज ए सेलिब्रेशन ऑफ बिलीफ इन द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय प्रौद्योगिकी त्यौहार फिनटेक को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक प्रौद्योगिकी नवाचार और शक्ति की भावना में विश्वास का उत्सव है। द 2-डे एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल वाज हेल्ड इन दुबई द UAE। विश्व आर्थिक मंच WEF ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक
दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी। अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। आफ्टर द डिमाइस ऑफ यूनियन मिनिस्टर अनंत कुमार, यूनियन मिनिस्टर डी वी सदानंद गौड़ा वाज हैज गोट द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड नरेंद्र सिंह तोमर वाज असाइंड द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन के बाद केंद्रीय मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार और नरेंद्र सिंह तोमर को संसदीय मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। द बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS अनाउंस्ड ए न्यू एडिशन टू इट्स टीम विद सिद्धार्थ तिवाड़ी ज्वाइनिंग एज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक BIS ने सोमवार को अपनी टीम में सिद्धार्थ तिवारी एशिया और प्रशांत के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। इंडियन रिवेन्यू सर्विस ऑफिसर संजय मिश्रा वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टर डायरेक्टोरेट डायरेक्टर ED इन एन एडिशनल कैपेसिटी फॉर 3 मंथ्स। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी संजय मिश्रा को 3 महीने के लिए अतिरिक्त क्षमता में नए प्रवर्तन निदेशालय निदेशक ED नियुक्त किया गया है। अवार्ड्स पुरस्कार। लेट डॉक्टर मार्था फेरेल हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 6th इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस इन न्यू दिल्ली। स्वर्गीय डॉक्टर मार्था फेरेल को नई दिल्ली में 6वें भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट डेज महत्वपूर्ण दिवस। द वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 14 नवंबर थ्रू आउट द वर्ल्ड। द थीम फॉर वर्ल्ड डायबिटीज डे 2018 and 2019 इज द फैमिली एंड डायबिटीज। दुनिया भर में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस आयोजित किया गया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 2018-19 के लिए विषय है द फैमिली एंड द डायबिटीज। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स के लिए यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।